न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। रीवा में मुखबिर की सूचना पर विश्वविद्यालय पुलिस ने कार सवार 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों से पूछताछ और गाड़ी की तलाशी लेने पर नकली नोट बरामद हुई है। बताया जाता है कि 1.5 लाख रुपए की नकली नोट बरामद हुए हैं। पकड़े गए युवकों की पहचान रिंकू, किशन और अभिनय सिंह के रूप में हुई है। उक्त मामले का खुलासा करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रिंकू नाम का युवक राजस्थान का रहने वाला है, जो कि उदित चौधरी नाम के चिकित्सक के पैथोलॉजी में काम करता है और नोट लेकर रीवा आया हुआ था, जबकि अभिनय सिंह सतना जिले के ताला थाना क्षेत्र का रहने वाला है। हालांकि पुलिस की टीमें अभी अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही हैं, गोपनीयता भंग ना हो जिसके चलते पुलिस ने कई प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है। इस पूरे नकली नोट का मास्टरमाइंड रौनक पांडे बताया जाता है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। चर्चा तो ये भी है कि जो गाड़ी पकड़ी गई है वो किसी वाधवानी के नाम से है। रौनक पांडे के पकड़े जाने के बाद ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो पाएगा। आइए आपको सुनाते हैं नगर पुलिस अधीक्षक ने उक्त पूरे मामले के संबंध में क्या जानकारी दी है। हालांकि सूत्रों की माने तो चर्चा ये भी है कि विगत दिनों हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में भी नकली नोटों का उपयोग किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। कल रीवा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक नकली और फर्जी नोटों का जो है व्यापार करने वाला ग्रोह जो है उसको पकड़ा गया है। थाना विश्वविद्यालय के TI श्री विद्यावर तिवारी, सिविल लाइन TI शर्मा जी, अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल, इन सब की एक टीम बनी थी जिसको सपोर्ट कर रहे थे हमारे साइबर के वीरेंद्र सिंह और उनकी टीम। ये ग्रोह जो है कई दिनों से पुलिस के रडार में था। लगातार इसके संबंध में जो है सूत्र एकत्र किए जा रहे थे। 2 दिन पहले हम लोग को यही जानकारी हुई थी कि ये ग्रोह जो है फिर से सक्रिय हुआ है और कुछ जाली नोटों का आदान प्रदान जो है होने वाला है। इसी क्रम में पुलिस जो है, हमारे पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन साहब के मार्गदर्शन में लगी हुई थी। ये विश्वविद्यालय क्षेत्र के अंतर्गत एक स्थान पर 2 गाड़ियां जो है आकर रुकी। एक जो है राजस्थान भरतपुर से संबंधित थी, उसमें राजस्थान के कुछ आरोपी थे, और एक रीवा से संबंधित लोग थे जो इस कारोबार में जुड़े थे और आपस में कुछ लेन देन कर रहे थे। पुलिस ने उसी बीच घेराबंदी की। पुलिस को देख करके वो लोग भागे। सहयोग से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर एक व्यक्ति भागने में सफलता अर्जित कर ली। बाद में जिसका नाम जो है रौनक पांडे के नाम से जाना जाता है उसको, और 3 लोग जो थे पुलिस की अभिरक्षा में पकड़े गए, जिनसे गहरी पूछताछ करने पर और उनकी तलाशी लेने पर जो फर्जी 500 के नोटों की जो है 3 गड्डियां बरामद हुई, जिसमें 1.5 लाख रुपए, जिसको आप कह सकते हैं वो फर्जी मिले, उनके कब्जे से जब्त किया गया। उनको जानकारी प्राप्त हुई कि ये रिंकू नाम का जो लड़का है जो राजस्थान भरतपुर का रहने वाला है और एक वहाँ के बड़े अस्पताल के एक डॉक्टर उदित चौधरी जो हॉस्पिटल चलाते हैं उनके यहाँ वो एक काम करता है पैथोलॉजी में, और उन्हीं के कहने पर यहाँ आया था। इसके पहले भी वो रीवा आ चुका है और इस तरह के कारोबार में वो हिस्सा ले चुका है। इन सब से पूछताछ करने के बाद कई लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें पुलिस जो है टीम बना करके उन्हें पकड़ने के लिए रवाना है। उनके मिलने पर और भी लोगों की कड़ियां जो है इस कारोबार से जुड़ेंगी। पुलिस अभी रक्षा में लिए गए उन 3 व्यक्तियों को जो है
न्यायालय पेश किया गया है और उनसे पूछताछ करने के लिए न्यायालय से 3 दिन का हमें पुलिस रिमांड मिला है और इस रिमांड पे हम उनकी पूरी श्रृंखला जो इस कारोबार में शामिल है, इसको बनाने में, व्यवसाय करने में, ये कहाँ से आया है और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, इसका ये पता लगाया जाएगा और जो जानकारी होगी उसको आगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हमारी विवेचना जारी है। जो गाड़ी पकड़ी गई है वो लोकल किसी बड़े व्यापारी की, ये जांच का विषय है कि वो गाड़ी किसकी है। इस गाड़ी का हमने पता लगाया है, उस गाड़ी वो रीसेल हो चुकी है। अभी जिसके नाम से आई है, चूँकि आज कार्यालय खुला नहीं था तो वो जानकारी प्राप्त होने में अभी हमें टाइम लग रहा है, कल तक मुझे ये पता हो जाएगा कि गाड़ी किसके नाम से है और किसने उसको रीसेल में ख़रीदा है। रौनक पांडे कहाँ का रहता है और कब से ये कारोबार कर रहा है? रौनक पांडे देवतालाब का रहने वाला है और जो अभी पूछताछ हुई है उससे ये जानकारी हुई कि ये राजस्थान का ये लड़का रिंकू पहले भी आया है। अभी उससे बहन पूछताछ होगी कि वो कब आया, कैसे आया और क्या क्या किया यहाँ पे, ये विवेचना का विषय है। इसमें हम अभी पुलिस रिमांड मिल चुका है, हम इस पर विवेचना करेंगे। सर, कुल कितने आरोपी थे और नोटों को कहाँ छुपाने की तैयारी कर रहे? मैं आपसे आग्रह किया है अभी कि ये विवेचना का हमारा विषय है क्योंकि समय बहुत कम था और हमें मुलजिम को न्यायालय पेश करना था, इसलिए हमने उनसे पुलिस रिमांड मांगा है और हमें 3 दिन का पुलिस रिमांड, वैसे मैंने 5